आपका अमेजोन से नए प्रोडक्ट को परचेस किया है और इसका हम अनबॉक्स करेंगे, इसको हम आपको दिखाएंगे। तो ये मैं निकाल रहा हूँ बॉक्स अमेजोन के पार्सल से। मैंने इसे खाली हालांकि ओपन कर लिया था पहले, यहाँ पर मैं इसे ओपन नहीं करके देख लिया, तो इसे ओपन कर लिया और ये अंदर एक शायद हाँ एक उनका जो इनवॉइस होता है वो है। तो इसको साइड में रखते हैं और हम आते हुए हमारे प्रोडक्ट पर ये देखिए, इसका पैकेजिंग देख सकते हैं जो कि एक कागज़ में लपेट कर दिया है। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इसको पेटी रखती है कुछ, बॉक्स को बाहर निकाल लेता हूँ। कुछ ब्लैक कलर में इसका लुक कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं सभी साइड से और आगे की तरफ स्पेक्ट्रम्स की कंपनी का ये एक बॉक्स है जिसके अंदर क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो ये देख सकते हैं ये तो स्पेक्ट्रम्स का, इसमें जो एक माउथ ऑर्गन है जिसे हम हिंदी में लगभग पावा भी शायद कहते हैं कुछ ऐसा, तो ये अंदर है माउथ ऑर्गन। इसको मैं खोल कर दिखाऊंगा आपको, आप इसकी पहले से इस बॉक्स को देख लीजिए और यहाँ से इसे ओपन करना है। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, शायद यही से करना है ना, खुल नहीं रहा है लगता है, क्या हो रहा है देख लेता हूँ। तो हाँ यहाँ से ओपन कर लेना है शायद, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। बॉक्स को थोड़ा सा एक हाथ से ओपन करना थोड़ा मुश्किल है, नहीं ओपन कर लिया मैंने। और अंदर आप ये देख सकते हैं, आप देखते ही पहचान चुके होंगे, मुझे कमेंट्स में बताइए इसे हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में इसे माउथ ऑर्गन कहते हैं, लेकिन हिंदी में बताइए हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये एक मेटल का इसे मेटल से बना हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसका शाइनिंग लुक। यहाँ आगे की तरफ स्पेक्ट्रम्स का एक ब्रांडिंग की गई है, अंदर से आप देख सकते हैं इसकी जो इंटरनल पार्ट है वो दिखाई गई। यहाँ पर एक लगभग 1 से 10 तक गिनती क्यों दिखी हुई है वो मुझे समझ में नहीं रह रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही शाइनिंग है और अंदर ये जो काला हिस्सा है वो लगभग प्लास्टिक का लग रहा है। और यहाँ पे एक सी लिखा हुआ है, सी का मतलब है दोस्तों जिस तरह से फ्लूट होती है जिसे हम बांसुरी कहते हैं, बांसुरी भी होती है ए स्केल बी स्केल होती है, उसी तरह ये माउथ ऑर्गन भी उसके भी स्केल नहीं कह सकते उसको, अलग कुछ कहते हैं, लेकिन ये सी टाइप का है उसके लिए ये है। और अंदर आप ये देख सकते अंदर की साइड यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, ये जो इसका गोल्डन कलर में आप देख रहे हैं वो शायद एक कलर तो होगा या आखिर वो पीतल से बना होगा उसके लिए देख रहे हैं। और यहाँ पे आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, आवाज़ एकदम मेटल वाली आ रही है और ये शाइन भी कर रहा है बहुत ही बढ़िया से, जो स्टेनलेस स्टील जो ऊपर लगा हुआ है तो इसलिए। और ये बहुत ही बजट लेवल है, बजट वाला माउथ ऑर्गन मैंने लिया है, इसे सीखूँगा मैं, इसके लिए मैंने इसे परचेस किया। अंदर आपको एक क्लीनिंग क्लॉथ भी मिलता है, इसे आप इसे पोच वगैरह सकते हो, अपना पसीना मत पोछना वरना इसे बदबू आएगी। ठीक, तो इसे मैं थोड़ा सा आपके सामने क्या साफ सफाई कर लेता हूँ, इसकी झाड़ू पोछा लगाता हूँ इसको। और बहुत ही मुझे हल्का सा फील हो रहा है, इसका वेट भी आप साइड में देख रहे होंगे और ये इसका बॉक्स है, बॉक्स थोड़ा चिप क्वालिटी का लग रहा है, एकदम हल्का सा है एकदम, लेकिन आप इसे कैरी करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो, वैसे भी इसे जेब में डालकर भी आप ले सकते हो। और इसके अंदर का पार्ट्स वगैरह देखने दिए थे, 10 होल्स इसमें है जो एक बिगिनर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। और आप मेरे कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में, अगर आपके पास भी है आप कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर सकते हो मुझे कमेंट्स में बताइए ज़रूर, मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहूँगा। और इसको मैं सीखना है मुझे इसको बजाना, तो इसके लिए मैंने इसे खरीद लिया है, सोचा कि आपको भी दिखाऊँ ये माउथ ऑर्गन मेरा। और मुझे मिला है लगभग 248 रुपये में, यानी कि 248 रुपीज़ में मुझे मिला है और बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, इसलिए मैंने ख़रीदा है। और हम बिगिनर्स के लिए ज़्यादा कुछ पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़े थोड़े से सस्ते सस्ते सामान से सीखना चाहिए, तो इसके लिए मैंने इसे खरीद लिया है। और बाकी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके मन में कोई भी सुझाव सवाल या फिर कुछ भी हो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और क्या करें, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को अगर वीडियो पसंद आई तो। मैं मिलता हूँ आपको, और हाँ इसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी,
मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक बाय, सी यू।